हेलो स्टूडेंट, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हित अभिलाषी शर्मा एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं जानकारी हित चैनल पे। थोड़ी ही जानकारी दे ली, थोड़े हित दे विच एक नवा कॉन्सैप्ट इकोनॉमिक्स का अच्छा असं साझा करन जा रहे हैं थोड़े नाल, विशेष रूप दे विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी एक अर्थव्यवस्था दी केंद्रीय समस्या। इस तो पहला एक वीडियो मैं थोड़े नाल शेयर कीता है, वो है आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तुसी उसनों भी देख सकते हो, पहला उन्हों देखोगे एक काम होर आसान होएगा, बट ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, उसका ज़्यादा विस्तृत रूप है, क्योंकि असी कल्ली एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की गल नहीं करांगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी किसी अर्थव्यवस्था दियाँ आर्थिक समस्यावां की ने, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की गल करांगे असी। सेंट्रल प्रॉब्लम ये ध्यान रखियो। सब तो पहला सानू सारयां नू पता है कि इस कॉन्टेंट नू समझन तो पहला तुहाडे आइडिया होना कि इकोनॉमिक्स की है, इकोनमी की है ते इकोनॉमिक प्रॉब्लम की है। तुसी इहदे नाल सुनदे ते वीडियोज़ मेरियां मेरे ही जानकारी चैनल ते देख सकते हो। आओ अज दे कॉन्टेंट दे वल वधीए। अज दा कॉन्टेंट है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी। यस, असी जानदे हां कि हर एक व्यक्ति दी तरह हर अर्थव्यवस्था दे विच वी एक असीमित लोड़ां दे कारण ते असीम ते सीमित साधनां दे कारण आर्थिक समस्या दा सामना करना पैंदा है, उहनूं असीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह रहे सी। हरेक अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़ियां लोड़ां ने, वांट्स जिहनूं असीं कहिंदे हां इकोनॉमिक्स दी भाषा दे विच, उहो असीमित ने ते उहनां नूं पूरा करन वाले साधन सीमित ने। इसी तरह हरेक अर्थव्यवस्था दे विच, अज तुहाडे नाल मैं विस्तार से गल करूंगा थोड़ा, हरेक अर्थव्यवस्था दे विच जिहड़े उत्पादन दे चार साधन ने, याद रखियो, अज लैंड, लेबर, कैपीटल ते एंटरप्रेन्योर। लैंड दा मालक लैंडलॉर्ड, कैपीटल दा मालक कैपिटलिस्ट ते लेबर दा मालक लेबरर्स ते एंटरप्रेन्योरशिप का मालक होंगे एंटरप्रेन्योर। ये चार उत्पादन के साधन ने। हरेक अर्थव्यवस्था च चार उत्पादन के साधना की मात्रा सीमित है, उस अर्थव्यवस्था विच रहन वाले लोगों की जरूरत असीमित ने, लोड़ां असीमित ने। दैट इज द वी कैन से मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनमी। इसनों ही किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहने हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के संबंध में जो इकोनॉमिक्स ने वो अपना अपना वर्जन रख रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने, चाहे स्टिगलर है, इस तो इलावा प्रोफेसर हॉम होए ने, प्रोफेसर सैमुअलसन ने, उन्होंने अपने व्यूज ने इस कॉन्टेंट को एक्सप्लेन करन च। कोई दसद कि तीन समस्यावान ने, कोई दसद चार ने, कोई सत्त ने, चाहे वह तीन दसद चार चाहे सत्त, सारे ने सारे कॉन्टेंट को अपने अपने हिसाब के नाल इनकलूड किया गया। आओ आप डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ जड़ियाँ इकोनॉमिक्स ने वो किड़ियाँ किड़ियाँ ने। इकोनॉमी, नॉट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। इकोनॉमी ते इकोनॉमिक्स फर्क है। यस, तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जड़ी है जिदे विच सारिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसी जगह दे विच चलदियाँ ने एक सिस्टम दे अकॉर्डिंगली, उस अर्थव्यवस्था दियाँ केंद्रीय प्रॉब्लम्स की ने। उहदी सब तो पहली प्रॉब्लम याद रखो, बेसिकली तीन ने। पहला उन्होंने नाम ध्यान नाल सुनो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जिहड़े साधन ने उत्पादन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन्होंने एलोकेशन वंड किवें होनी है, एक ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जिहड़े साडे कोल साधन ने वो पहले ही सीमित ने, उन्हों का फुल यूटिलाइजेशन किवें होना है, पूर्ण सदुपयोग किवें कर सकते हैं उत्पादन के साधनों का। तीसरा है हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, जिहड़े साडे साधन ने उन्हां दी ग्रोथ किवें हो सकती है, उस विकास किवें हो सकता है, वाधा किवें हो सकता है। यह सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एक जिहड़ी इकोनमी है, ये ने बेसिक। जे सानू इन्हां दा सामना करना, असी इन्हां दा सामना कर लिया, इन्हां दा हल कर लिया, असी दा मतलब किसी अर्थव्यवस्था ने, तो उहदियां इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोर्ट आउट हो जांदियां ने, घटी जांदियां ने लगातार। हुण एक एक की गल करदे हां। सब तो पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस।
साधना दी वंड, साधना दी वंड लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, उत्पादन दे चारों साधन सीमित ने। इस हालत दे विच सब तो पहला ये देखना पैंदा है किसी भी अर्थव्यवस्था दे विच व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, की पैदा किया जाए तो किन्ना पैदा किया जाए। सानू पता है हरेक देश दे लोगों दीआं लोड़ां अलग अलग ने, हरेक देश की जिहड़ी इकोनमी है उहदीआं लोड़ां वख वख ने, अमेरिका दीआं होर ने, साडे देशां दीआं होर ने, जिस देश च असीं रह रहे हैं जिहड़े आस्ट्रेलियंस ने उहनां दी कुछ होर ने। तां उत्थे इकोनमी दे विच इस प्रॉब्लम दा हल इही है कि हाउ टू प्रोड्यूस, ये देखना पै व्हाट टू प्रोड्यूस कि की पैदा किया जाए तां कि वध तों वध लोगों दीआं वांट्स नूं लोड़ां नूं पूरा किया जा सके। एक वड्डी आर्थिक समस्या हुंदी है, कारण की है साधन सीमित ने, इस करके भाई अपने साधनों नूं इस ढंग नाल यूज करना है तां कि वध तों वध लोगों दीआं लोड़ां पूरियां कीतियां जाण, इहो जिहियां वस्तुआं जरूर पैदा कर लईआं जाण। असी इंडियंस हैं, मान लो सिर्फ जहाज बनाने लग जाइए, पर इतने का रोटी कपड़ा मकान पहला चाहिए, पहला उदी लोड भी जरूरत है। नो डाउट जहाज भी आज हिंदुस्तान नूं चाहिए ने, पर एक सीक्वेंस के अनुसार पहला देखना पेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। जिहड़ा पैदा करना है तो डिसाइड कर लिया किसी अर्थव्यवस्था च किन्ना पैदा करना है, किहड़ी वस्तु की किन्नी घाट है, कैपीटल गुड्स पैदा कीतियां जाण भाव जिवें मशीनां जिहड़ियां प्रोडक्शन च हैल्प करदियां ने, या कंज्यूमर गुड्स लोगों के आम उपभोग दीआं वस्तुआं पैदा कीतियां जाण, ते जिहड़ियां पैदा करनियां ने उहदी किन्नी किन्नी मात्रा पैदा कीती जावे। दैट इज द मेन कॉन्सैप्ट अंडर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज, अपने साधनों नूं जिहड़ी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिज है उहनां दे नाल की पैदा कीता जावे ते किन्ना पैदा कीता जावे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्लीयर? सेकेंड पार्ट, सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच सर डिसाइड हो गया किमें पैदा किया जाए। पैदा करन दीआं दो टैक्नीक ने सारी दुनिया दे विच, एक टैक्नीक होंदी है लेबर इंटेंसिव टैक्नीक, होंदी है कैपिटल इंटेंसिव टैक्नीक। जिहड़ा पूंजी दे आधारित टैक्नीक है उहदे विच बहुतात पूंजीगत वस्तुआं दी है, मशीनां ने वड्डियां वड्डियां, न्यू टैक्नोलॉजी है। लेबर इंटेंसिव टैक्नीक दे विच काम करन वाले मजदूर ज़्यादा ने, मैक्सिमम काम मशीनां दे नाल नाल मजदूर भी लगे हुए ने। हुण ये डिसाइड करना हुंदा है एलोकेशन रिसोर्सिज दे सैकेंड पार्ट जिहदी मैं गल कर रहा, हाउ टू प्रोड्यूस किहड़ी टैक्नीक दे नाल पैदा किया जाए कि ज़्यादा इस तरह की इंडस्ट्री, इहो जिहा बिजनेस धंधे, इहो जिहे काम चलाए जाण, ज़्यादा काम हाथ नाल होवे ताकि लोगों को रुजगार मिल सके। जिहड़े देश अंडर डिवेलप्ड ने, डिवेलपिंग स्टेज दे ने, उत्थे लेबर इंटेंसिव टैक्नीक वधिया हो सकती है, पर जे असी तेजी नाल विकास करना चाहते हैं तो सानू थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव टैक्नीक भी वरतनी पेगी। पूंजीगत जिहड़ी टैक्नीक है उहदे विच की है कि ज़्यादा मशीनां कंप्यूटराइज्ड टैक्नीक की वरतों ज़्यादा होंदी है, लेबर की हत्थां की घट। हुण जापान वर्गे देश ने, अमेरिका वर्गे ने, जिथे बहुत एडवांस ने, उन्हां कोल काम करने वाली वर्कफोर्स घट हो सकती है, इंग्लैंड वर्गे कंट्री दे विच, उन्हां वास्ते लेबर इंटेंसिव टैक्नीक फायदेमंद हो ही नहीं सकती। दे टोटली डिपेंड्स अपॉन कैपिटल इंटेंसिव टैक्नीक, पूंजीगत जिहड़ियां तकनीक है उहदे ते आधारित ने। यह है हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स दे विच तीसरा पहलू जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, की पैदा करना है, किन्ना करना है, किवें करना है। ये डिसाइड करन तो बाद ये देखना बड़ा जरूरी है, इकनोमिक समस्या का मेन जड़ ये भी है, फॉर होम टू प्रोड्यूस तुसी पैदा किन्ना वास्ते करना है, कि जिस इकोनमी की असी गल कर रहे हैं उस देश दे विच ज़्यादा लोग गरीब ने, उस हिसाब नाल पैदा किया जाए, फिर उन्हां दीआं जरूरतां की ने, मिडल क्लास फैमिलीज़ ने उन्हां वास्ते वस्तुआं पैदा कीतियां जाण, या अमीर ने उन्हां वास्ते लग्जरी आइटम पैदा कीतियां जाण। इस करके फॉर होम टू प्रोड्यूस किन्हां दीआं लोड़ां पूरियां करनियां ने, जिहदे नाल जिहड़े डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ने वो सही ढंग दे नाल हो सकन, इहो जिहियां इकनोमिक कंडीशनज होण कि जिहदे नाल मैक्सिमम लोगों दीआं लोड़ां पूरियां होण, अपने साधनां नूं इस ढंग दे नाल वंडिया जावे। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस। क्लीयर हो गया? नाउ लेट्स मूव एट ऑन सेकेंड पार्ट, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनमी दे विच जिहड़ा सेकेंड पार्ट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तो बाद, वो है हाउ टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एक वड्डी समस्या, एक वड्डी समस्या है इकोनमी नाल रिलेटेड। किसी भी इकोनमी की एक सब तो बड़ी समस्या है कि
उस देश दे विच वध तो वध रुजगार दे अवसर फुल इंप्लायमेंट किवें मिल सके। इंप्लायमेंट ना मिलन दे कारण की हो सकते ने, जदों कि किसी इकोनमी दे विच जिहड़े फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सीमित ने, सीमित फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करके कैपीटल की मान लो कमी पाई जाती है, इनवैसटमेंट नहीं होंगी तो रुजगार नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोगों को जिहड़ी अनइंप्लायमेंट की स्थिति का सामना करना पैंदा, बेरोजगारी होंदी है। इस तो इलावा इंप्लायमेंट के नाल संबंधित फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के नाल संबंधित तीन चीज़ा होर भी ने। हो सकता है बहुत सारे वर्करस वेले ही बैठे हो, तीन महीने काम किया, तीन महीने वो वेला बैठना पसंद करते हैं या वेले बैठे हो। यह भी हो सकता है कि अंडर यूटिलाइज्ड हो, जिन्ना कु उन्हां च काम करन दी उन्हां च स्किल है उहदी यूटिलाइजेशन ना हो रही हो। भी हो सकता है कि वह अनयूटिलाइज की थान पर जिन्हों मैं कह रहा है उसी अंडर यूटिलाइजेशन, जिन्ना उन्हें सी उन्ना नहीं वरतों हो रही। एक वर्कर 8 घंटे काम कर सकता सी, स्किलफुली कर सकता सी, बट तो 2 घंटे काम लिया जा रहा है। या यह भी हो सकता है अनयूटिलाइज्ड, कोई स्किल्ड वर्कर है उन्होंने कोई यूटिलाइज नहीं कर रहा, थोड़े एरिए कोई बहुत वधिया पेंटर है बट नोबडी डिमांड फॉर हिज वर्क स्किल। इहदा मतलब की होया, इस कारण बहुत सारी जिहड़ी अनइंप्लायमेंट की स्थिति का सामना करना पैंदा है। सो जिहड़ियां सेंट्रल जिहड़ियां प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनमी की गल कर रहे सी, उहदे विच एक वड्डा प्रॉब्लम यह होगी कि हाउ टू यूटिलाइज्ड रिसोर्सिज अप टू देयर मैक्सिमम कपैसिटी। जेकर असी उन्हां दी आइडलनैस खत्म कर दीए, उन्हां नूं रुजगार दे दीए, उन्हां नूं उन्हां दीआं प्रॉब्लम नूं हल कर दीए अनइंप्लायमेंट दी नूं, तां नैचुरली वी कैन अचीव द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज, फिर कर सकते हैं। अदरवाइज दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट इज आल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनमी, नहीं तो असी उन्हों भी एक बड़ा हिस्सा मानते हैं आर्थिक समस्या का। तीसरा है हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सिज, हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सिज, जिहड़े साडे कोल उत्पादन के साधन ने उन्हों की ग्रोथ किवें हो सकती है, उन्हों की ग्रोथ उन्हों साधना की असी वधिया फास्टर ग्रोथ किवें कर सकते हैं, दैट इज आलसो बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस वन इज आलसो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सिंपल वर्ड्स आर्थिक विकास किवें हो सके। ये जरूरी है पर कैपिटा इनकम वधे, उन्हों की इनकम च वाधा हो रेगूलर लैवल के उत्ते हो, इट इज़ मस्ट। जेकर उन्हों का फास्टर रेट असी ग्रोथ करना चाहते हैं तो फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनमी भी चाहिए, तो ये प्रोडक्शन मस्ट भी इनक्रीज एट वेरी रैपिड रेट, बड़ी तेज़ गति उत्पादन वधाना पेगा। उत्पादन किमें वधेगा भी जे इनवैसटमेंट होएगी, इनवैसटमेंट वधानी पेगी, इनवैसटमेंट कितों वधेगी जे लोग सेविंग करे, सेविंग करे लोगों को इनकम है वो भी कि हिस्सा कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके सेविंग करने तो बाद कितना इन्वेस्ट करते हैं, इट आलसो डिपेंड्स। जिस इकोनमी दे विच लोकां दे विच कंजम्पशन दे नाल नाल सेविंग दी अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हां दे सुभाव है इहो जिहा, वो इस मौके इहो जिहे मौके बनाते हैं तो अगे उस पैसे नूं इन्वेस्ट करते हैं, तो देयर यू विल सी रैपिड प्रोडक्शन ग्रोथ रेट इज़ देयर, तेज़ गति दे नाल उत्पादन गतिविधियां वधदियां ने। जेकर इन्वेस्टमेंट नहीं वधेगी तो कदे भी रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकती, तो उस हालत दे विच जिहड़ी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सिज है वह भी पॉसिबल नहीं। सो दैट इज़ आलसो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनमी, हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ एनी इकोनमी। समझ लग गया। इस दे नाल ही सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनमी का एक होर पहलू जिन्हों आम तौर पर जलसा देख लिया जाता है, वह है कॉन्सैप्ट रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनमी, वो कि एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, उत्पादन के सू कुशलता चाहिए है। सिकन वन इज़ द एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, उपभोग वध तो वध लोगों की संतुष्टि हो सके, लोग इस ढंग वस्तुओं लोग योजना वस्तुआं पैदा कीतियां जा सकन ताकि वध तो वध लोगों की वध तो वध संतुष्टि हो सके। नैक्सट है इकनोमिक एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता होनिया भी जरूरी ने, भाव योजना वस्तुआं पैदा कीतियां जान जिहड़ा लोगों दीआं वध तो वध वांट्स नूं इच्छावां नूं पूरियां कर सकदियां होण। जेकर इहोजा होएगा तां नैचुरली असी इक एफेक्टिवली ते एफिशिएंटली इकनोमिक ग्रोथ कर सकते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनमी के रिलेटेड बेसिक कॉन्सैप्ट ने तीन,
efficiency in production must be there, efficiency in consumption must be there, efficiency, we can say the economic efficiency must be there. Jekar eh hoega ta central problem related to any economy onu assi address kar sakde haan, oda hal lab sakde haan. Asal jada solution kithe hai phir hai, problem pata lag gaya ene. ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਕਾਨਮੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ. ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਐਂਡ ਮਿਕਸਡ ਇਕਾਨਮੀ. ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ. ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਡ ਢੰਗ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਕਾਨਮੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਉਸ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ. ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਂਡ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ. ਹਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਐਨ ਇਕਾਨਮੀ ਕੋਨਸੈਪਟ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ. ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ.